किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी, जिसके माध्यम से केवल और केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए वह खर्च होगा। एजुकेशन के लिए घोषणाएं की गई है कि एजुकेशन के सेक्टर में किस प्रकार से सरकारी स्कूल में और अच्छी क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो, उसमें भी पैसा खर्च करेंगी, वो हमारी प्राथमिकता होगा। 24,000 स्मार्ट क्लासेज बनेंगी। इस प्रकार से बहुत सारी घोषणाएं हैं। मुझको लगता है कि 103 प्रोमिसेज हैं और उसी के साथ 16 बड़े हमारी घोषणाएं हैं। कर्नाटक की जनता इनकी सभी का बहुत अभिनंदन कर रही है, क्योंकि हमने जो कहते हैं वो करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उससे और अधिक करते हैं। यह मोदी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, यह भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया, जो घोषणा किया, आज तक पूरा नहीं किया। मैं सोनिया जी से और राहुल गांधी जी और प्रियंका जी घूम रही हूँ, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने राजस्थान में बोल के आए थे कि किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे, 10 दिन के अंदर आज तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किए। आप बोल के आए थे बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपये हर महीने देंगे, आज तक 52 लाख जो युवा हैं घूम रहे राजस्थान के सड़कों में, आज तक आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। यह कांग्रेस थी राजस्थान में, राहुल गांधी जी बोल के आए थे कि हम बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 10 बार बिजली का दाम बढ़ाया। राजस्थान में अगल बगल के राज गुजरात और उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक डीजल पेट्रोल का दाम है तो राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ में घोषणा नहीं पूरा किया। इसी प्रकार से हिमाचल में घोषणा करके आए थे, यह पूरा नहीं किए। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गई थी उत्तर प्रदेश में गारंटी कार्ड जारी करने के लिए कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, गारंटी कार्ड यूपी में जारी किया, आप देख सकते हैं इंटरनेट में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती थी कि यह कांग्रेस पार्टी झूठी पार्टी है। As state of war Karnataka begins, a reminder who is the true number one. The five big voices speak to us before all the others, from Chief Minister Bommai to Chief Challenger Siddaramaiah, from old war horse Yedurappa to Karnataka's Chanakya D. Shivakumar and Kingmaker Kumaraswamy. When it's Karnataka, there's no competition. India's number one election channel.